हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करेंगे सिन नंबर के बारे में, और इस वीडियो में मैं बस शॉर्ट वीडियो रखूँगा, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, और मेन पॉइंट्स बता दूँगा भाई सिन का काम क्या है, सिन पे हम कितने आवर्स वर्क कर सकते हैं, और उसके साथ सिन लेने में कितना टाइम लगता है, और सिन उसके लिए प्रोसेस क्या होता है। तो लेट्स बिगिन। सिन एक बेसिकली आपको यहाँ की जो कनाडा सर्विस है वो एक पेज देती है, लाइक शीट, उसके ऊपर आपका नंबर लिखा होता है, SRN नंबर जिसको बोलते हैं। तो वो सिन नंबर हमें जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ हमें देना दिखाना होता है, ताकि वो हमें नोट डाउन कर सकें, पूरा रिकॉर्ड बनाएंगे अपना भाई, कितने इतने घंटे इसने काम किया, जैसे अपना पैन कार्ड है उसी टाइप में, कुछ थोड़ा सा इकोनॉमिकल टाइप। ओके, और हम अगर जिस भी जॉब लेने के जाएंगे तो वो पहले हमसे सिन नंबर मांगेंगे, ठीक है। कैश में करना हो तो देखो अलग सिनेरियो है, बट अगर जो हम किसी के पास हम लीगली काम करेंगे तो वो हमें सिन नंबर ज़रूर मांगेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सिन नंबर लेना कैसा है और उसमें कितना टाइम लगता है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सिन नंबर लेने के लिए हमें सर्विस कैनेडा पे जाना है, हर एक शहर में हर एक सिटी में होते हैं सर्विस कैनेडा, तो हमें उस पर जाना है, और हमें उतने दो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, एक तो हमारा आइडेंटिटी प्रूफ जो कि हमारा पासपोर्ट हो जाएगा, और साथ के साथ हमारा एक स्टडी परमिट, उसके साथ साथ वो आपसे एड्रेस भी मांगेंगे। तो जहाँ पे भी आप करंट रह रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है वो परमानेंट हो गई, तो कोई भी एड्रेस दे सकते हैं हम, जहाँ पे हम करंट एड्रेस हमारा देना है। और उसके साथ साथ आपका एक फ़ोन नंबर मांगेंगे, तो अगर आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है तो आप किसी अपने फ्रेंड का या फिर रिलेटिव का दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप पहले फ़ोन नंबर लो, यही प्रेफर्ड है, उसके बाद फिर अपना सिम नंबर के लिए वहाँ पर विज़िट करो। अब बात करते हैं कितना टाइम लगता है वैसे। तो बात ऐसी है भाई, जितना ब्रैम्पटन और मिसिसागा एरिया है वहाँ पे लगते हैं 4-4 घंटे, बच्चे सुबह जाते हैं 5 बजे लाइन में खड़े हो जाते हैं, और 9 बजे वो ओपन होता है, और 30 मिनट में फिर मिल जाता है, स्पीड थोड़ी तेज़ होती है, तो उस साइड तो ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि वहाँ पे रश बहुत है, जितने बच्चे आते हैं वो सभी उसी साइड जाते हैं ब्रैम्पटन, क्योंकि उस साइड कैश का वर्क ज़्यादा है, वहाँ पर कैश में काम मिल जाता है। अब मैं जिस एरिया में हैमिल्टन साइड हूँ, तो इस साइड कोई भी रश नहीं है, सर्विस कैनेडा बिल्कुल खाली पड़ा था, मैं दिन में गया था 2-3 बजे, और मैं गया और जाते ही मुझे विद इन 15 मिनट्स में मेरे को उसने सिन नंबर निकाल के मेरा दे दिया, दैट्स ऑल। और डॉक्यूमेंट्स वही थे जो मैंने आपको बताए, वही डॉक्यूमेंट्स में से पूछे थे उसने, तो ये था भाई साहब। और उस साइड तो हर एक चीज़ में रश मिलेगा आपको, ब्रैम्पटन और मिसिसागा साइड। और एक और बात है, कैश में जो इस साइड भी है हैमिल्टन साइड, लेकिन इस साइड थोड़ा बच्चों का रश कम है, बच्चों को थोड़ा अवेयरनेस नहीं है, वो सभी उसी साइड जाते हैं क्योंकि उनके सभी दोस्त दास्त फ्रेंड्स वो सभी उसी साइड रहते हैं। सो दैट वाज ऑल, आई होप यू लाइक इट, कीप सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, थैंक यू गाइस।